नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आइए रुक करते हैं देश प्रदेश के कुछ मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड में 20 जुलाई तक फिर बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, सरकार ने जारी की नई एसओपी। जनसंख्या नियंत्रण पर आमने सामने आए बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई कई मौतें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। लोकसभा में बदलेगा कांग्रेस का चेहरा, अधीर रंजन की जगह शशि थरूर, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई में से बनाया जा सकता है नया चेहरा। टेस्ट फायरिंग के दौरान फेल हुआ ब्रह्मोस मिसाइल, वजह जानने में जुटी वैज्ञानिकों की टीम। जल्द ही WHO की लिस्ट में शामिल होगी कोवैक्सीन, भारत बायोटेक ने शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज किए जमा। IMA ने चेतावनी देते हुए कहा कि तीसरी लहर है करीब, सरकार धार्मिक यात्राओं पर फिलहाल लगाए रोक, लोग भी बरते सावधानी। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने कानपुर के चमनगंज इलाके से खरीदी थी पिस्टल ATS की, पूछताछ में बड़ा खुलासा। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को मिली जमानत, खराब स्वास्थ्य के चलते डोमिनिका हाईकोर्ट ने दी जमानत। भारत बांग्लादेश के रिश्ते में सेतु बनेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय DU में बंगबंधु चेयर की स्थापना। तो फिलहाल आज के इन मुख्य खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। नमस्कार।